बड़ी खबर सामने आ रही, तो शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खबर। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 69,000 शिक्षा मित्रों को भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बची सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। 6 हफ्तों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ा फैसला। तो शिक्षा मित्रों के लिए ये अच्छी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, तो 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, 4 साल एक्सपीरियंस शिक्षा मित्रों को 1% वेटेज देने का निर्देश भी। तो यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जल्द भर्ती के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बची सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। तो क्या है ये पूरा मामला? लिखित परीक्षा के बाद शासन के कट ऑफ अंक तय किए गए थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये पॉइंटर्स हैं। लिखित कट ऑफ अंक तय किए गए थे। लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। अभ्यर्थी इसके विरोध में कोर्ट गए थे। टीईटी सीटीईटी पास 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1 दिसंबर 2018 को परीक्षा का शासनादेश जारी हुआ था। तो शासनादेश में न्यूनतम अर्हता अंक का जिक्र नहीं था। परीक्षा के ठीक एक दिन बाद उत्तीर्ण प्रतिशत 60.65% कर दिया गया था। तो 150 अंकों की परीक्षा में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 97 अंक अनिवार्य, अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस पर अब शिक्षा मंत्री और बीटीसी बीएड अभ्यर्थी दो धड़े में पड़ गए। तो शिक्षा मंत्रियों ने 7 जनवरी के कट ऑफ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तो 7 जनवरी के कट ऑफ के बाद हाईकोर्ट का रुख इन शिक्षा मित्रों की तरफ से किया गया था। बीटीसी बीएड अभ्यर्थी कट ऑफ के समर्थन में है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला।